नई सुधा प्रेजेंट्स खुल्फाए राशिदीन के दिलचस्प वाकयात। सुबह सवेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर पर कपड़ों का अंबार और कपड़ों के थान घर से उठाए निकले और बड़ी ही मुस्तैदी और निशात के साथ बाजार की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु की इन पर नजर पड़ गई। वो दोनों इनका रास्ता काटते हुए दौड़े। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जोर से आवाज दी, ए खलीफा रसूलल्लाह, कहाँ जा रहे हैं? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सर के ऊपर लादे हुए उस कपड़े के अंबार के नीचे से झांकते हुए कहा, बाजार जा रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बाजार जाकर क्या करोगे? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुताज्जिब होकर जवाब दिया, ए उमर, कपड़ों को बेचूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन अब तो एक चीज ने आपको मशगूल कर दिया है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खामोश रहे, फिर फरमाया, तुम्हारी मुराद खिलाफत है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब खेज अंदाज में कहा, ए इब्ने खत्ताब, फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम बैतुल माल से आपके लिए कुछ मुकर्रर कर देंगे। चुनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के हालात के पेश नजर इस बात को मंजूर किया और फिर बाजार की तरफ नहीं गए। अल खुलफा और राशिदून, सफा नंबर 62।